आगे बढ़ते हैं श्योपुर से खबर, जहां एसडीएम को बंधक बनाया गया है। बाबा अंबेडकर की प्रतिमा हटाने एसडीएम पहुंचे थे, इस दौरान उन्हें एसडीएम विनोद सिंह को बंधक बना लिया गया। गाड़ी पर भी पथराव किया गया, एसडीएम को वापस प्रतिमा को लगवाना पड़ा, एसडीएम से ही माल्यार्पण भी करवाया गया। मड़ा गांव में घटना के बाद भारी पुलिस बल तैनात है। विजयपुर थाना क्षेत्र के मड़ा गांव की यह घटना बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां श्योपुर में एसडीएम को बंधक बना लिया गया। बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को हटाने के लिए एसडीएम पहुंचे थे, इस दौरान उन्हें बंधक तो बना ही लिया, गाड़ी पर पथराव भी किया गया, एसडीएम को वापस वहां पर प्रतिमा को लगवाना पड़ा और एसडीएम से ही वहां के लोगों ने माल्यार्पण भी करवाया। पब्लिक के लिए काम करता है, जो भी किया गया है पब्लिक की सुविधा को ध्यान में रख करके किया गया है, जो मूर्ति स्थापित कराई गई है। और जब भीड़ इकट्ठी होती है तो ये स्थिति निर्मित होती है, ये पहली घटना नहीं है कि जिसमें ऐसा हुआ है। नहीं लेकिन सर हुआ तो सर आपने सर मूर्ति को हटाया सर, उसके बाद में सर ये पैदा हुआ ना आपके बाद में। मूर्ति शासकीय जमीन पर थी, इसलिए अब मूर्ति हटाने के समय उन लोगों से बात की गई, उन लोगों के बात करने के बाद मूर्ति हटाई गई है। स्वदेश हमारे संवाददाता सारा जानकारी के साथ जुड़ गए। स्वदेश, एसडीएम कह रहे हैं कि बातचीत के बाद मूर्ति हटाई गई थी, फिर वहां के लोगों ने क्यों इतना हंगामा किया? नहीं बिल्कुल, एसडीएम जो है वो सही बता रहे हैं, क्योंकि पहले जिस जमीन पे वो मूर्ति लगी हुई थी अंबेडकर की, जो मूर्ति वो शाक्य धर्मशाला के नाम से थी, वो जमीन वहां पर लगी हुई थी, लेकिन जब ये हटाई गई तो जो आसपास के ग्रामीण हैं वो एकत्रित हो गए और ये मूर्ति थाने में जो रख दी थी इसका विरोध किया। उसके बाद ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर एसडीएम का घेराव किया, साथ ही पूरा जो बल था वहां पे मौके पे मौजूद प्रशासन अमला सबका घेराव किया, यहाँ तक कि जो रोड पे था पेड़ काट के डाल दिया, चक्का जाम जैसी निर्मित पूरी स्थिति हो गई थी। एसडीएम साहब की गाड़ी भी फोड़ी गई, उसके गाड़ी के टायर की हवा भी निकाली गई, लेकिन कहीं ना कहीं देर रात तक पूरा ये जो हंगामा चला, उसके बाद प्रशासन झुका, बैकफुट पे आया और वो मूर्ति वहीं पर ले जाके दोबारा प्रशासन ने लगाई, यहाँ तक कि एसडीएम ने माला अर्पण कर उस मूर्ति को वहां पर लगवाया। उसके बाद ग्रामीणों ने वहां से चक्का जाम हटाया और पूरी स्थिति शांतिमय तरीके से वहां हुई। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए स्वदेश आपका।